गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी लवर्स प्राची में। आज मैंने कुछ इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट किया और ये प्रियादीप जी का मेकअप लुक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो आप, मैंने लिया है फर्स्टली आयूर का मॉइस्चराइजर। इसको अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मेरा फेस हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। मैंने लिए पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, इसको भी अपने पूरे फेस में अच्छे से लगाऊंगी। पूरे फेस मैंने अच्छे से लगा लिया है। अपने हैंड की हेल्प से ही इसको अच्छे से पूरे फेस में ब्लेंड कर दूँगी। अभी ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत आराम से लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे फेस में मॉइस्चराइज़र लगा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ प्राइमर का यूज़ नहीं किया है। अब मैंने फिर से एक्स्ट्रा ली हुई अपने आईज़ के ऊपर और आईज़ के नीचे डार्क सर्कल्स में लगाया है इसको अपनी फिंगर की हेल्प से। मैंने बहुत ज़्यादा दबा दबा के लगाया था कि टैप टैप मोशन में ही लगे, ज़्यादा ओवर ना आए। तो अब मैंने लिया मेबलिन का कॉम्पैक्ट, इसको भी अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। पहले अपनी आईज़ के क्रीम को सेट करूँगी, अब मैं पूरे फेस की क्रीम को सेट करूँगी। अब मैंने अपने हैंड से भी इसको अच्छे से फिर से पैट पैट कर दिया है। अब मैंने लिया लैकमे काजल, इसी से अपने आईब्रोज को फिल करूँगी इस एंगल ब्रश की हेल्प से। इस एंगल ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को फिल किया है। जैसे प्रियादीप ने लगाया है मैं वैसे ही लगाऊंगी सेम। अब मैं अपने आईब्रोज को, ये जो नुकीले दिख रही है, लेकिन मैं इसको गोल शेप दे दूंगी। अभी अब ये देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैंने ब्लू हेवन का काजल लिया और इससे उसे नहीं की तरह विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी, कर्व टाइप कुछ। और ये मेकअप लुक मैं सिर्फ उनकी पिक देख के क्रिएट करी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो कहाँ पे है। जो भी वीडियो आती है मैं उसे देख तो लेती हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो बहुत पहले की है गाइस, इसलिए शायद मैंने नहीं देखी है। तब तो मैं शायद उसे जुड़ी हुई भी नहीं थी। इसी तरह मैं साइज में भी लगा लूंगी। आईलाइनर लगाने का सही तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट अपनी एप्लीकेटर में लें, जिससे कि आपके आईब्रो में धीरे धीरे से एक लाइन जैसी ड्रॉ हो, जिससे कि आपका लाइनर है ना गंदा भी नहीं होगा और धीरे धीरे आप अपने लाइनर को कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा उजाला होने के कारण इधर थोड़ा सा ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा है शायद आप लोगों को। मैंने दोनों आईज में लगा लिया है। अब मैं लगा रही हूँ काजल। आप सोचेंगे लैक्मे का काजल है तो ये ईडीएस का काजल क्यों लगाती हैं? गाइस, मुझे लैक्मे का काजल सूट नहीं करता है, इसलिए मेरे पास है वो, लेकिन मैं ईडीएस का इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी दिन तक सूट, मतलब पहले रोज़ नहीं लगाती थी, लेकिन शादी के बाद रोज़ लगाने लगी थी तो नहीं सूट करता है। बस अपने अपने आईज में लगा लिया है काजल। अब मैं लिप लाइनर ले रही हूँ, ये रेड कलर का है, 25 रुपीस का मिलता है। एक मेरे पास ब्राउन कलर का भी है और एक ब्लू कलर का भी है।
सेम कलर की लाइन, उन्होंने आउटलाइन भी ड्रॉ की हुई है और उनकी लिपस्टिक थोड़ी सी ऑरेंजिस टाइप है, तो मेरे पास कुछ इस तरह की लिपस्टिक थी लैक्मे की, रिच साइन कुछ करके नाम है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है लिपस्टिक है। बाय बाय।